नमस्कार दोस्तों, रेस्पेस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जो है कृषि सुधार पर चर्चा करेंगे और ये देखने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से जो है कृषि का भारतीय अर्थव्यवस्था में रोल होने के साथ साथ जो है सरकार के द्वारा यहाँ पर समय समय पर क्या कदम उठाए गए हैं, उनके क्या क्या आयाम हैं, उसके क्या परिणाम है, उसमें क्या जो है सुधार होने की अभी और भी जरूरत है। तो इन सभी बिंदुओं को हम इस लेक्चर में समेटने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि भारतीय अर्थव्यवस्था देश के जो है बहुत ढेर सारे लोगों को जो है रोजगार देती है, वहीं पर दूसरी तरफ लोगों के जो है आजीविका के साथ जो भोजन की आवश्यकताएं पूरी हुई, राष्ट्रीय आय में इसका योगदान होता है। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में भारतीय कृषि जो है तभी योगदान दे सकती है जब यह सशक्त हो, इसके जो भी समस्याएं हैं समय समय पर जो है इसका निस्तारण किया जाता रहे, इनके महत्वपूर्ण जो है आगतों को मजबूत करने की दिशा में जो है प्रयास हो, तभी हम कृषि के योगदान को भारतीय अर्थव्यवस्था में जो बहुत ही महत्वपूर्ण रूप में जो है रेखांकित करने में सफल होंगे। तो आइए हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि सुधार के अंतर्गत क्या क्या प्रयास किए गए हैं और क्या क्या प्रयास हो सकते हैं उसको देखने का प्रयास करते हैं। तो कृषि सुधार को दो महत्वपूर्ण जो है तरीके से, दो प्रकार से जो है देखा जा सकता है, एक संस्थागत स्तर पर और दूसरा तकनीकी स्तर पर। संस्थागत सुधार और दूसरा है तकनीकी सुधार। तो ये दो तरीके से इसमें सुधार हो। संस्थागत सुधार के अंतर्गत जो मूल रूप में जो स्वतंत्रता के बाद से भारत में जो भूमि के स्वामित्व से संबंधित जो समस्याएं थी, उसमें असमानता थी, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। तो मूल रूप में इसमें भूमि के स्वामित्व, उसके जो है वितरण इत्यादि से जो है संबंधित व्यवस्थाएं पाई जाती हैं, जो कि तकनीकी स्तर पर इस तरीके के जो प्रयास और पहल किए गए जिससे किसी के उत्पादन को जो बढ़ाया जाना संभव हो सके। तो मूल रूप में जो संस्थागत सुधार को अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें सबसे पहले जो है भूमि सुधार, इसी भूमि सुधार को ही जमींदारी प्रथा का उन्मूलन कहा जाता है। जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ब्रिटिश शासन के दौरान यहां पर भू राजस्व की वसूली के लिए एक मध्यस्थ के रूप में जो है जमींदार प्रथा का अस्तित्व था, जमींदारी प्रथा का अस्तित्व था। और जमींदार जो है भू राजस्व की वसूली करते थे, 1/11 भाग अपने पास, 1/10 भाग जो है वो ब्रिटिश शासन को जो है सौंपते थे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत ही कठिन नियम था जिसे सूर्यास्त का नियम कहा जाता था, यानी कि जो दिन निर्धारित होता था यदि उस दिन के शाम तक नहीं जो है भुगतान हो पाता था किसानों के द्वारा लगान, तो उनके भूमि से जो उनको बेदखल कर दिया जाता था। तो ऐसी स्थिति में बहुत कठोर नियम थे, जबकि प्राकृतिक आपदाएं और सिंचाई, सूखा, बाढ़ जैसी समस्याएं होती थी। तो कई बार ऐसे होते थे कि जब किसानों को जो है उनके उपज का इतना भाग नहीं होता था कि वह लगान जो है अच्छी तरीके से दे सकें, तो ये व्यवस्थाएँ थी। और लगान की दरें जो है 50%, 60%, 66% से लेकर के कई कई बार जो 80% तक होते थे, जिसका कि भुगतान करना जो है किसानों के लिए बहुत ही जो है कठिन था और बहुत ही अमानवीय व्यवस्था थी। तो ऐसी स्थिति में भूमि सुधार के अंतर्गत सरकार के द्वारा पहला पहल यही किया गया जो है कि वो जमींदारी प्रथा का जो है उन्मूलन कर दिया गया। इसके लिए जमींदारी प्रथा उन्मूलन अधिनियम एक्ट 1951 भी जो है पारित किया गया था। इसके अंतर्गत जो है जमींदारी प्रथा को उन्मूलन कर दिया गया और किसानों को जो है भूमि का वास्तविक मालिक बना दिया गया, वास्तविक जो है हक उनके पास, स्वामित्व का किसानों के पास हो गया और वे सीधे सरकार से जो है संबंधित हो गए कि उनके बीच में कोई भी बिचौलिए नहीं रह गए, भूमि का स्वामित्व हो गया और लगान वो सीधे सरकार को अदा करने लगे। तो इस प्रकार से जो भूमि सुधार के अंतर्गत जो पहला पहल था वो जमींदारी प्रथा का जो उन्मूलन कृषि सुधार के अंतर्गत। इसी में जो है संस्थागत सुधार में अधिकतम सीमा का निर्धारण,
अधिकतम सीमा का निर्धारण इसी को ही जो सीलिंग कानून कहा जाता था, सीलिंग कानून कहा जाता था, यानी कि उसकी अधिकतम सीमा बना दी गई कि एक व्यक्ति जो है कितनी भूमि अधिकतम रख सकता है। और यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर भी आधारित था, क्योंकि जैसा कि पूर्व में ज़्यादातर भूमि जो है एक व्यक्ति के पास होता था, वह अपनी भूमि को दूसरे को जो है बटाई पर या जो लगान पर देते थे और उसके बदले जो है वहाँ पर खेती होती थी और किसानों को बहुत ही छोटा अंश मिलता था। लेकिन यहाँ पे जमींदारी प्रथा का जब उन्मूलन कर दिया गया तो भूमि सारी जो है सरकार की हो गई। अब सरकार के द्वारा उन लोगों को जो है भूमि दिया गया जिन्हें वास्तव में जरूरत थी, जो कृषि कार्य खेती कार्य जमीनी स्तर पर जो करते थे। तो ऐसे स्थिति में जो है यहाँ पर जो है भूमि का अधिकतम सीमा निर्धारण कर दिया गया ताकि एक व्यक्ति के पास ज़्यादा भूमि ना हो सके और जो शेष भूमि हो वो आसपास ग्राम सभा के अन्य लोगों को जो है वो भूमि दिया जा सके। तो इसमें सीमा अधिकतम सीमा का निर्धारण कर दिया गया। अब इसमें तीन प्रकार की जो है स्थिति जो है बनी, एक तो जो सिंचाई के जो है जहाँ पर जो सिंचाई की सुविधा थी और दो फसल के जो है दो फसलें होती थी उसकी अधिकतम सीमा जो है सिंचाई की जहाँ पे सुविधा थी और जहाँ पर दो फसलें होती थी वहाँ पे 18 एकड़ की एक लिमिट बना दी गई। जहाँ पर सिंचाई की सुविधा होती थी और एक फसलें होती थी वहाँ पर जो है 27 एकड़ कर दिया गया। और असिंचित तीसरी जो है क्षेत्र थी वो असिंचित क्षेत्रों में जो है वो 54 एकड़ की जो है लिमिट बनाई गई। तो इस तरीके से 27 एकड़ और 54 एकड़ के तीन स्तर जो है बनाए गए। इससे ज़्यादा भूमि यदि किसी के पास होती थी तो सरकार उसे उन व्यक्तियों को दे देती थी जो वास्तव में खेती का कार्य करते थे और जमीन से जुड़े हुए थे। तो ये भी कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय और भूमि सुधार तथा कृषि सुधार के अंतर्गत ही आता था, ताकि उन लोगों को भी जो है कृषि करने के लिए भूमि प्राप्त हो सके जो वास्तव में कृषि काम करते हैं, अपने आजीविका को पूरा करने के साथ साथ देश के विकास में योगदान देते। तो ये थी भूमि के अधिकतम सीमा का निर्धारण यहाँ पर जो किया गया। तो तीन चीजें हमने देखा यहाँ पे, कृषि सुधार के अंतर्गत संस्थागत सुधार और तकनीकी संस्थागत सुधार में भूमि सुधार जिसमें जमींदारी प्रथा थी, अधिकतम सीमा का निर्धारण था। और यहाँ पर अगली जो व्यवस्था थी वो था कृषि, या ये कह सकते हैं भूमि पुनर्गठन। इसी भूमि पुनर्गठन को ही जो है चकबंदी कहा गया। चकबंदी जो है कृषि सुधार एवं भूमि सुधार के क्षेत्र में एक ऐसा पहल था जिसके अंतर्गत जो है किसानों के बिखरे हुए और छोटे छोटे टुकड़ों को एक स्थान पर जो है लाने का प्रयास किया गया, ताकि किसान जो है अपने समय शक्ति और संसाधन का नज़दीक और एक ही स्थान पर जो है खर्च करके कम समय में कम लागत पर ज़्यादा उत्पादन कर सके। भाई किसी व्यक्ति के पास यदि 3 से 4 ग्राम सभा में अगर जमीन है तो उसे बहुत ही असुविधा होगी, चाहे वो सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करना हो, अगर कोई यंत्रीकरण की व्यवस्था करना हो, तो वो छोटे छोटे किसान छोटे छोटे खेतों में उन यंत्रीकरण का भी कोई लाभ नहीं हो सकता है। आज के समय में जो है यंत्रीकरण और आधुनिक तकनीकी यंत्र हैं तो जिनका कि प्रयोग हम बड़े खेतों में आसानी से कर पाते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने चकबंदी की व्यवस्था जिसे भूमि का पुनर्गठन यानी कि बिखरे हुए और छोटे छोटे टुकड़ों को एक स्थान पर और बड़े टुकड़े में बदलना ही जो है वो चकबंदी कहलाती है। तो ये व्यवस्था सरकार के द्वारा लागी गई चकबंदी। उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए अलग अलग, खैर इसमें अलग अलग जो है राज्यों में अलग अलग कानून थे, लेकिन मोटा मोटा इसका उद्देश्य यही था कि भूमि को एक स्थान पर लाया जाए, किसानों को सुविधाजनक बनाया जा सके ताकि वो कृषि को आसानी से कर सके। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में जो है चकबंदी अधिनियम 1953 बनाया गया, जो कि 1954 ईस्वी में इसे बनाया गया और ये 1954 ईस्वी से ये लागू कर दिया, ये एक्ट था और ये इस डेट में जो है लागू किया गया जो है। तो ये व्यवस्था थी जो है कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो है चकबंदी को लागू करने के संदर्भ में। तो तीन चीजें इसमें हमने देखा, भूमि सुधार या जमींदारी व्यवस्था, अधिकतम सीमा का निर्धारण जिसे सीलिंग कानून कहा जाता है, और भूमि का पुनर्गठन जिसे चकबंदी कहा जाता है। ये चीजें इसमें तीन चीजें आई। अभी दो और चीजें इसमें हम लोग देखेंगे, ये हम लोग संस्था का सुधार को भी पढ़ रहे हैं। इसमें एक सहकारी कृषि को भी बढ़ावा दिया गया, सहकारी जो है कृषि को भी बढ़ावा दिया गया। सहकारी कृषि क्या है? सहकारी कृषि एक
कृषि का एक ऐसा प्रकार है जिसमें अलग अलग प्रकार के जो है किसान अपने सीमित संसाधनों के साथ मिल करके कार्य करते हैं ताकि अपने उद्देश्यों को जो है मिल करके आसानी से पूरा किया जाना संभव हो सके। आज की भी डेट में अगर देखा जाए तो चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, दुग्ध उत्पादन केंद्र बहुत ही सहकारी क्षेत्र में काम कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, सफल हैं। तो यहाँ पर जो है सहकारी कृषि को बढ़ावा दिया गया। यद्यपि भारत में सहकारी कृषि का जनक अगर देखा जाए तो कर्जन को माना जाता है। तो ये मतलब ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यद्यपि भारत के वास्तविक विकास करना तो इनका उद्देश्य नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं ये दबाव में आंदोलन के आगे झुक करके कुछ ना कुछ काम भारत में करते थे। तो कर्जन के द्वारा भारत में जो है सहकारी कृषि जो भी की गई, जो भी इनका योगदान था, तो उसके लिए इन्हें भारत में जो है सहकारी कृषि का जनक कहा जाता था। और इसके बाद जो नेहरू के द्वारा इसका विस्तार किया गया, इसको बढ़ावा दिया गया, इस आंदोलन को जो है और भी जमीनी स्तर पर लाया गया, जबकि एक व्यक्ति जो है चौधरी चरण सिंह थे जिनके द्वारा इसका विरोध भी किया गया था। तो ये भी सवाल कभी कभी आता है कि इसमें मतभेद था और इनके द्वारा जो इसमें इसको जो है रोकने का काम किया गया, इसका विरोध किया गया। तो तीन व्यक्ति हैं जो सहकारी कृषि के क्षेत्र में जिनका नाम आता है कि कर्जन है, दूसरा नेहरू है, चौधरी चरण सिंह हैं। ये तीनों नाम इसमें याद करने योग्य है कि जनक हैं और विस्तार या इसका समर्थन किया और इन्होंने इसका जो विरोध किया। अगली सहकारी कृषि के साथ साथ अगली जो है वो साख है, संस्थागत स्तर पर ये भी जो है पहल है। तो पांच चीजें हम लोगों ने देखा इसमें। एक तो कृषि का सुधार, कृषि सुधार के अंतर्गत जो है जमींदारी पर था, भूमि की अधिकतम सीमा का निर्धारण, चकबंदी, सहकारी कृषि और साख जो है कृषि के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि समय समय पर कृषि में कुछ न कुछ आगतों का प्रयोग किया जाता है, परंतु कृषि से जो भी हमें प्राप्तियां होती हैं वो प्रति 6 माह के बाद होती हैं। तो 6 महीने के बीच में अगर किसी आगत की जरूरत पड़ती है जो कि कृषि कार्य के लिए जरूरी है तो उसके लिए धन की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए हर समय अगर किसानों के पास जो है आय के लिए जो है धनराशियाँ उपलब्ध नहीं है जिससे कि वह अपनी आगतों को पूरा कर सके, तो ऐसी स्थिति में जो है उन किसानों को साख की आवश्यकता पड़ती थी। तो साख के लिए दो प्रकार की व्यवस्थाएं, संस्थागत हैं और एक गैर संस्थागत या परंपरागत कहा जा सकता है। गैर संस्थागत स्रोत के अंतर्गत जो साहूकार, महाजन, ये सभी लोग आते थे, लेकिन यहाँ की जो गैर संस्थागत साख की व्यवस्था थी वो पूरी तरीके से शोषण पर आधारित होती थी। एक तो उन्हें अधिकतम ब्याज पर जो है लोन दिया जाता था, दूसरा उनके फसलों को जो है औने पौने दाम पर खरीदने के लिए विवश किया जाता था, क्योंकि जो भी किसान किसी जमींदार या साहूकार से लोन लेता था उसे अपने फसल को बेचने के लिए वहाँ पर बाध्य होना पड़ता था। तो ऐसी स्थिति में यह एक जो है शोषणकारी व्यवस्था थी, जहाँ पर एक बार अगर ऋण लिया गया तो हमेशा से वह उसी के जाल और चक्र में फंस जाता था और अपने पूरे जीवन को जो है उसी से संबद्ध कर कहीं ना कहीं जो है उसे शोषण को जो है स्वीकार करना पड़ता था। तो इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार के द्वारा ये पहल किया गया कि कुछ ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे किसानों को सही तरीके से, एक संस्थागत तरीके से, एक लिखित व्यवस्था के रूप में, एक रूपता वाले कानून के आधार पर लोन मिल सके। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने बैंकिंग व्यवस्था का जो है नींव डाला और इसके अंतर्गत अलग अलग प्रकार के जो है बैंक व्यवस्था आए और उनके द्वारा जो लोन दिया जाने लगा। तो पहले तो ये चीज़ जान लेना है कि जो यहाँ पे ऋण की व्यवस्था थी वो 3 प्रकार की थी। एक जो है अल्पकालीन, फिर मध्यम, फिर दीर्घकालीन। यहाँ पर जो है 15 माह तक के जो लोन लिए जाते थे, इसमें जो है बहुत ही छोटे प्रकार के जो है मशीनें या जो है बहुत ही अपने उर्वरक के लिए या जो है सिंचाई निराई गुड़ाई के लिए जो भी अगर आवश्यकता होती थी तो वो अल्पकालीन ऋण के अंतर्गत आता था। अधिकतम ये 15 माह तक होता था और ये 15 माह से 5 वर्ष तक होता था। इसमें अगर देखा जाए तो छोटे औजार, जानवर और भूमि सुधार से संबंधित, लेकिन बहुत ही लघु स्तर के जो भूमि सुधार से संबंधित काम होते थे। दीर्घकालीन ऋण जो है 5 वर्ष से अधिक के लिए होते थे। इसमें भूमि का क्रय करना, भूमि का बड़े स्तर पर सुधार, मकान का निर्माण,
ये सारी चीजें आती थी जो कि दीर्घकालीन श्रेणी में होती थी। तो 15 माह तक, ये 5 वर्ष तक, 15 माह से और ये 5 वर्ष से अधिक समय के लिए जो है लोन लिए जाते थे। और ये ऋण की जो व्यवस्था हमारी बैंकिंग व्यवस्था पर पूरी तरीके से आधारित थी। तो कुछ बैंक से संबंधित तो एक लेक्चर ही है, परंतु बैंकिंग व्यवस्था के संदर्भ में हम उन सेक्शंस को देखेंगे यहाँ पे जो कहीं ना कहीं जो है कृषि में अपना योगदान दे रहे हैं या कृषि में अपना योगदान देते हैं। अब इसमें भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक, पहले स्थान पे 1920 ईस्वी में पंजाब में यह पहली बार जो है स्थापित किया गया और कार्यकारी रूप में 1929 ईस्वी में कार्यकारी भूमि विकास बैंक जो है पहली बार जो मद्रास में जो स्थापित किया गया, जिसे तमिलनाडु के नाम से भी जाना जाता है। तमिलनाडु मद्रास को पहले ही उसे जो है प्रांत को मद्रास प्रांत ही कहा जाता था, जिसे बाद में जो तमिलनाडु बनाया गया। और यहां पर सबसे पहली बार जो है कार्यकारी जो है भूमि विकास बैंक की जो स्थापना की गई 1929 ईस्वी में। तो ये भूमि विकास बैंक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी कि ये दीर्घकालीन ऋण देते थे और ऋण के एवज में भूमि को बंधक रखना होता था। एक लिखत पढ़त में ये व्यवस्थाएं होती थी कि जो भूमि को बंधक बना दिया जाता था और उसके एवज में जो है वो ऋण प्राप्त करता था और ऋण जो है अदा करने के बाद वो भूमि के जो बंधक था उसको समाप्त कर दिया जाता था। ये भूमि विकास बैंक थी। और 1969 ईस्वी में लीड बैंक की स्थापना शुरू की गई। नरीमन कमेटी या समिति के रिकमेंडेशन के आधार पर 1969 ईस्वी में लीड बैंक की जो है अवधारणा जो प्रारंभ की गई, इसका तात्पर्य यह है कि किसी भी बैंक को किसी क्षेत्र को विकसित करने के लिए जो है उस क्षेत्र को सौंप दिया जाता था और वह उस क्षेत्र में एक अग्रणी बैंक के रूप में रोल अदा करता था। इसीलिए जो है अग्रणी बैंक होने के कारण से लीड बैंक का नाम दिया गया। और यह जो है विशेष करके उन क्षेत्रों के लिए जो कि पिछड़े हुए क्षेत्र हुआ करते थे। अभी आज की भी डेट में जो है अगर इंडिया में देखा जाए या अलग अलग प्रदेशों में यूपी में देखा जाए तो कुछ क्षेत्रों में कुछ विशेष प्रकार के बैंकों की अधिकता होती है, 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर पे ही बैंक पाए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में वह उस क्षेत्र का एक लीड बैंक है जो कि उस क्षेत्र के विकास को जो है ध्यान में रख करके बनाया जाता है। तो पिछड़े हुए क्षेत्रों में और विशेष करके ऐसे क्षेत्र जो कृषि से जहाँ पे उद्योग धंधे हैं वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलते हैं तो वहाँ पे आय का साधन होने के कारण से धीरे धीरे वो विकसित होता जाता है, लेकिन जहाँ कृषि है वहाँ पे थोड़ा सा पिछड़ा हुआ होता। इसलिए 1969 ईस्वी में नरीमन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर लीड बैंक की अवधारणा स्वीकार की गई। अगला इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो आपका नाबार्ड आता है। नाबार्ड 12 जुलाई, ये क्वेश्चन सीधा डेट सही पूछा गया इसीलिए यहाँ पे इसको लिख दिया जा रहा है। 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए जो है राष्ट्रीय बैंक, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय बैंक की स्थापना जो की गई 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। यह मुख्य रूप से कृषि के क्षेत्र में देखा जाए तो सबसे शीर्ष बैंक है, यद्यपि यह किसानों को सीधा और प्रत्यक्ष रूप से लोन नहीं देता है बल्कि कृषि से संबंधित ऐसी एजेंसियां ऐसे बैंक जो काम इस फील्ड में कर रहे हैं उन लोगों को इसके द्वारा लोन दिया जाता है और पुनः उन एजेंसी बैंकों के द्वारा जो है किसानों को ऋण दिया जाता है। इसके द्वारा 1992 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में और 1998 ईस्वी में इस तरीके से कुछ पहल किए गए। 1992 ईस्वी में स्वयं सहायता समूह प्रारंभ किया गया। यद्यपि इसको भी जो है स्वयं सहायता समूह को जो पूर्व में बताया जा चुका है, तो इसका तात्पर्य होता है इसमें कुछ किसानों का समूह होता है जिसके द्वारा वो आपस में ही अपने विकास के लिए जो काम करते हैं। 1992 ईस्वी में जो है नाबार्ड के द्वारा प्रारंभ किया। ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि की स्थापना यहाँ पर की गई, ग्रामीण अवसंरचना विकास निधि यानी कि एक ऐसा फंड बनाया गया जो कि ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर काम कर सके, जो है सड़क नाली और जो है कुआं तालाब जो भी इस तरीके से है जो कृषि में रोल अदा कर सकते हैं उन सभी क्षेत्रों के विकास के लिए और संरचनाओं के विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 1995 ईस्वी में 2000 जो है करोड़ रुपए के जो है
माध्यम से एक निधि बनाई गई और यह निधि जो है ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना के विकास के लिए राज्य सरकारों तथा उनसे संबंधित एजेंसियों को सहायता देती थी, जो राज्य सरकार और एजेंसियां उन पैसों को ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अवसंरचना के निर्माण पर खर्च करते थे। तो ये व्यवस्था प्रारंभ की गई 1998 ईस्वी में आपके किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था प्रारंभ की गई। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें किसानों को उनके परिचालनात्मक जोत के आधार पर ऋण प्रदान किया जाता था, यानी कि जिस व्यक्ति के पास स्वामित्व है भूमि का उसे कृषि कार्य के लिए कृषि के विकास के लिए जो है उसके स्वामित्व वाली भूमि के एरिया के आधार पर ऋण दिया जाता था। 3 वर्ष इसकी जो है वैधता होती थी और यदि 6 माह में उन लोन को जो है वापसी या अदा किया जाता था लोन को तो सरकार के द्वारा उस पर सब्सिडी दी जाती थी। तो यह भी कहीं ना कहीं किसानों के जो विकास के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था और व्यवहारिक स्तर पर आज की डेट में भी जो है यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में और कृषि क्षेत्रों में प्रचलित है कि किसानों को इस तरीके से लोन मिल रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं और यदि उनके द्वारा इसका सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो कृषि के विकास में बहुत योगदान भी मिल रहा है। तो किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था 1998 ईस्वी में प्रारंभ की गई। ये थी नाबार्ड के अंतर्गत जो है व्यवस्था। एक और व्यवस्था है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को की गई। इस बैंक की स्थापना का मुख्य उद्देश्य पिछड़े हुए और कृषि वाले क्षेत्रों में जो इसकी स्थापना जो है करना था ताकि वहां पे स्पेशली उसका विकास किया जाना संभव हो सके। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जिस बैंक का जो बैंक है उसका अपना हिस्सा अलग अलग होता है। केंद्र सरकार 50%, राज्य सरकारें जो है उसमें 15% और जो बैंक होते हैं वह 35% के रूप में जो योगदान देते थे, यानी कि केंद्र के द्वारा जो 50% और राज्य सरकार के द्वारा उसमें 15% और 35% जो है जो बैंक था उसके द्वारा पूंजी लगाई जाती थी, उसके माध्यम से ये बैंक ऑपरेटिंग में होता था। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण तथा पिछड़े हुए क्षेत्रों का जो विकास करना इसका उद्देश्य था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को किया गया। कई बार यहाँ से सवाल पूछे गए इसलिए इसका मेंशन करना यहाँ पे आवश्यक है। अब हम इसमें जो है तकनीकी क्षेत्र में सुधार देखेंगे। जैसा कि संस्थागत सुधार के अंतर्गत हम लोगों ने 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर जो चर्चा किया। एक तो जो है भूमि सुधार, जमींदारी व्यवस्था, जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, चकबंदी व्यवस्था, सहकारी व्यवस्था और साख व्यवस्था। साख यानी कि जो लोन लेने की जो व्यवस्थाएं थी उस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब तकनीकी सुधार के अंतर्गत ऐसे सुधारों को जो सम्मिलित किया गया जिसके अंतर्गत जो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो फसलों के उत्पादन पर विशेष रूप से बल दिया गया। इसके अंतर्गत इसके आने वाले आगतों को सम्मिलित किया गया जिसमें बीज है, सिंचाई है, उर्वरक, इन सभी चीजों के ऊपर जो है काम किया गया। तो एक एक करके हम लोग इनको देखेंगे। इसी में जो है कृषि का यांत्रिकरण भी है। कृषि का यांत्रिकरण एक ऐसी जो है प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसानों के द्वारा जो कृषि से संबंधित कार्यों को विभिन्न प्रकार की युक्तियों और यंत्रों के द्वारा किया जाता है। इसमें मानव श्रम की जो है बचत होती है और आसानी से कम समय में हम कृषि कार्यों को संपादित करने में सफल होते हैं। लेकिन स्वतंत्रता के समय देश के पास पूंजी और तकनीक की कमी थी, इसलिए मानव श्रम के द्वारा ही कृषि के काम किए जाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे विकास होता गया वैसे वैसे जो है इसमें नए नए पहल, नए नए जो शोध कार्य किए गए, नए नए मशीनें और तकनीकें आती थी। कृषि विभाग के द्वारा थ्रेसर, लेबलर और इसी तरीके से कटाई मड़ाई, भूमि समतलीकरण से संबंधित जो है काफ़ी मशीनें जो है आ गई जिससे
कृषि कार्य जो है एक फार्म हाउसिंग में जो है चेंज हो गया, बड़े बड़े फार्म पर जो है इन यंत्रों के द्वारा जो है आसानी से कृषि काम जो है किए जाने लगे। लेकिन इसके मार्ग में, यंत्रीकरण के मार्ग में दो समस्याएं थी कि क्योंकि किसान यहाँ पर जो है निम्न आय वर्ग से था जो कि गरीब कहा जाता था, और दूसरी यहाँ पे जोतों का आकार बहुत छोटा था, जो कि पूर्व में हमने समस्याओं में जो है किसी पर जो पूर्व का लेक्चर है उसमें हम लोगों ने समस्याओं पर एक टॉपिक निर्धारित किया हुआ था, तो जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि छोटे भूमि के टुकड़ों में जो है आधुनिक यंत्रों का प्रयोग करना कठिन होता है। तो ये दो समस्याएं थी, एक तो कि किसानों का गरीब होना और दूसरा जो है जोतों का छोटा आकार। गरीब जो है किसान और छोटा जोत, ये दो जो है समस्याएं इसमें आती हैं, जो कि इसके मार्ग में महत्वपूर्ण जो समस्याएं हैं। अगला हम लोग देखेंगे बीज। बीज जो कृषि के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आगत है जिसके द्वारा जो है उत्पादन में और उत्पादकता में दोनों में ही जो है परिवर्तन किया जाना संभव हो सकता है। इसलिए भारत में बीज को लेकर के जो है काफी पहले से ही जो शोध कार्य को जो बढ़ावा दिया जाता रहा, इसके लिए अलग अलग संगठनों की भी जो स्थापना की जाती रही है, और 1929 ईस्वी में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 1929 ईस्वी में की गई थी। यद्यपि उस समय इसका नाम जो इंपीरियल कृषि अनुसंधान परिषद हुआ करता था, लेकिन बाद में यही जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद हो गया, और यह कृषि तथा उसके संबद्ध क्षेत्रों जैसे बागवानी जो है पशुपालन मत्स्य पालन इत्यादि से संबंधित क्षेत्रों में होने वाले विभिन्न प्रकार के शोधों में समन्वय का कार्य करता था। यानी कि ये जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है वो कृषि पशुपालन वानिकी मत्स्य पालन इत्यादि इन सभी क्षेत्रों में जो भी शोध से संबंधित काम हो रहे थे उन सभी कार्यों में समन्वय स्थापित करना जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का काम होता था। तो ये सभी बीज से संबंधित है। दूसरा राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र देश के अलग अलग स्थानों पर जो है केंद्र के रूप में स्थापित होते थे। कृषि की जो फसल है मिट्टी है और फसलों के प्रकार इत्यादि से संबंधित शोध कार्यों को बढ़ावा देता था, ताकि अलग अलग क्षेत्रों में जो है वहाँ की जो है सिंचाई व्यवस्था, वहाँ की भूमि के जो स्वरूप के आधार पर फसलों का विकास हो सके और फसलों का चिन्हीकरण हो सके, किसानों को जो है उत्पादन कार्य को बढ़ाने के लिए उन्हीं फसलों का उत्पादन करने को प्रोत्साहन दिया जा सके। और इसके अलावा यूनिवर्सिटीज की स्थापना की गई। अभी इसमें जो है कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर इम्फाल है, और रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो पूसा बिहार है, ये सब प्रचलित स्थान है और एक रेप्यूटेड जो है इंस्टीट्यूट है जहाँ यूनिवर्सिटी है जिसके माध्यम से जो कृषि से संबंधित जो शोध एवं विकास कार्यों को जो बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है कृषि के जो है इन तकनीकी क्षेत्रों में शोध कर रहे हैं और सुधार की दिशा में जो आगे बढ़े। राज्य में भी जो है राज्य की यूनिवर्सिटीज थी, उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जीबी पंत जो है कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 ईस्वी में पहली बार किया गया, उसके बाद अलग अलग जो है कई यूनिवर्सिटीज की जो यहाँ पे स्थापना की गई जिनके द्वारा कृषि में शोध कार्य जो है किए जा रहे हैं और कृषि को तकनीकी जो है सहायता दिया जा रहा है। राष्ट्रीय बीज निगम, यहाँ से सवाल भी पूछा गया है, राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई, नई दिल्ली में इसका जो मुख्यालय है। यह मूलतः जो है पंजीकृत किसानों के माध्यम से फसलों के लिए जो है बीज का उत्पादन, विभिन्न फसलों के बीजों का उत्पादन करता है। इसके पास लगभग जो है 13,000 से 14,000 जो है पंजीकृत किसान है, जिसके द्वारा लगभग 600 से 700 फसलों के बीजों का उत्पादन किया जाता है, पुनः उन बीजों का प्रयोग उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सामान्य स्तर के किसानों को दिया जाता है। तो राष्ट्रीय बीज निगम भी इस दिशा में काम कर रहा है। तो हमने देखा बीज से संबंधित जो है चार महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय बीज निगम। ये महत्वपूर्ण जो संस्थान है जिनके द्वारा जो है तकनीकी क्षेत्र में जो बीज के उत्पादन इत्यादि को जो बढ़ावा दिया जा रहा है। हम लोग चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं तकनीकी स्तर पर कृषि के जो है सुधार के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण पहलों को। बीज के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बीज के जो प्रकार को देख लेते हैं। उत्पादन के आधार पर दो तरीके से जो है, एक उत्पादन के आधार पर, एक परिवर्तनशीलता के आधार पर। परिवर्तन जो है शीलता के आधार पर बीज के कई जो है प्रकार होते हैं। तो उत्पादन के जो है आधार पर इसमें जो है प्रजनक जो है बीज हैं,
आधारी बीज हैं और प्रमाणित बीज हैं। परिवर्तनशीलता के आधार पर जो है संकर बीज है, जिसे हाइब्रिड बीज कहा जाता है, जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड बीज है, और ट्रांसजेनिक। ये जो है बीज हैं, बीज के प्रकार, क्योंकि यहां से भी कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना आवश्यक है। ये प्रथम पीढ़ी के जो है बीज होते हैं, जो कि शोध संस्थानों में ही उपलब्ध होते हैं, सामान्य रूप से किसानों को जो बोने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। प्रजनक बीज इसीलिए इनको कहा जाता है, ये ब्रीडर सीरियल रेंज में होते हैं। आधारी बीज जिसे जो है फाउंडेशन बीज कहा जाता है, ये कुछ चुनिंदा किसानों को जो है बोने के लिए जो है प्राप्त होते हैं, और आधारी बीज जो है प्रजनक बीजों के द्वारा जो बनाए जाते हैं। प्रमाणित बीज ये सामान्य जो है और सभी स्तर के जो किसानों को जो है बोने के लिए जो प्राप्त होते हैं, ये जो है संस्थान के द्वारा सर्टिफाइड होते हैं कि इन्हें जो है बुआई के लिए उपलब्ध किया जा सकता है। तो ये है कि इसका जो क्रम है कि ये जो है जटिलता से जो है सरलता की तरफ से जो है आगे बढ़ते हुए जो है आते हैं। प्रजनक बीज मूल रूप से होते हैं, प्रथम पीढ़ी के होते हैं, उसके बाद उसी से आधारी बीज बनते हैं, और बाद में उन बीजों के आधार पर प्रमाणित बीज जो है बनाए जाते हैं। ये उत्पादन के आधार पर तीन प्रकार के बीज होते हैं। संकर बीज होते हैं, दो प्रजातियों के जो है क्रॉस के माध्यम से प्रथम श्रेणी का जो है प्रथम पीढ़ी का जो बीज बनाया जाता है वह संकर बीज होता है। संकर बीज के संदर्भ में ये बातें कही जाती हैं कि यह ऐसा बीज है जो किसानों के द्वारा जो है एक बार ही जो है प्रयोग में लाया जाता है। ये अधिकतम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए ये लाया गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड यानी कि जो है प्रजाति के जो है जेनेटिकली मॉडिफाइड जीन में जो है परिवर्तन करके, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड यानी कि किसी प्रजाति के जीन में जो है परिवर्तन करके जो बीज उत्पन्न किया जाता है वो जेनेटिकली जो है मॉडिफाइड जो है सीड होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है रोग प्रतिरोधकता को बढ़ाना है, कम उर्वरक सिंचाई और कीटनाशक के माध्यम से इस बीज मतलब फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना, इसका जो है उद्देश्य। जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड यानी कि जीन में जो है परिवर्तन करके जो बीज उत्पन्न किया जाता है उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड कहा जाता है। लेकिन इसके जो है पर्यावरण, मानव इत्यादि पर जो है दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं, इसलिए इसमें शोध और अनुसंधान कार्य की आवश्यकता है, इसीलिए समय समय पर इस पर जो है विरोध भी किया जाता रहे। ट्रांसजेनिक सीड किसी भी जो प्रजाति में मनोवांछित गुण पैदा करने के लिए किसी अन्य प्रजाति के जो है अच्छे गुण वाले जो जीन को निकाल कर किसी प्रजाति में जो है डाल करके जो है अपने मनोवांछित गुण वाले जो है बीज को उत्पन्न करना ही जो है ट्रांसजीनिक सीड कहलाता है। यानी कि किसी प्रजाति में हम अच्छे गुण पैदा करना चाहते हैं तो वह गुण जिन भी प्रजाति में है उन प्रजाति के उन जीन को निकाल करके इस वाले जो है प्रजाति में जीन को इंजेक्ट कर दिया जाएगा, और डाल करके जो भी सीड बनाया जाता है वो आपका ट्रांसजेनिक जो है सीड कहलाता है। तो ये उत्पादन और परिवर्तनशीलता के आधार पर तीन तीन प्रकार के जो है सीड पाए जाते हैं। तो ये रही जो है बात जो है बीज के संदर्भ में। उर्वरक को भी हम लोग देख लेते हैं, इसमें उर्वरक भी एक महत्वपूर्ण जो है कृषि से संबंधित आगत है। उर्वरक दो प्रकार के जो है होते हैं, आर्गेनिक उर्वरक और इनऑर्गेनिक उर्वरक। आर्गेनिक उर्वरक जो है पर्यावरणीय जो है दशाओं में प्राकृतिक रूप से जो है बनाए जाते हैं। इसमें कंपोस्ट खाद, हरी खाद को शामिल किया जाता है। इसमें बायो फर्टिलाइजर भी एक प्रकार का जो है वो आर्गेनिक ही इसमें आता है, आर्गेनिक श्रेणी में जो है आता है, आर्गेनिक जो है उर्वरक की श्रेणी में आता है। और भारत में जो है नेशनल आर्गेनिक उर्वरक उत्पादन केंद्र की स्थापना गाजियाबाद में जो की गई है, यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं, इसलिए इसको ध्यान में रखना आवश्यक है। यानी कि नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना कहाँ पर की गई है, गाजियाबाद में जो की गई है। जबकि अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पर सिक्किम एक ऐसा देश है जो ऑर्गेनिक फसलों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर बना हुआ है। यहाँ से भी सवाल पूछा जा चुका है कि कौन सा राज्य है जो ऑर्गेनिक फसलों का उत्पादन बड़े स्तर पर कर रहा है या ज्यादा प्रतिशत के रूप में कर रहा है, तो वो राज्य है सिक्किम। सिक्किम में जो है ऑर्गेनिक खेती जो की जाती है, यह सवाल पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया है, या ऑर्गेनिक कृषि पर जो है एक टिप्पणी भी लिखने को आ सकता है, तो आप इस तरीके से जो लिखेंगे। यद्यपि ऑर्गेनिक खेती प्रारंभिक दौर में जो थोड़ी सी खर्चीली होती है, किंतु यह पर्यावरण और मानव दोनों के स्वास्थ्य के जो है अनुकूल होता है। दूसरा इन ऑर्गेनिक, जिसे रासायनिक उर्वरक भी कहा जाता है, तो ये रासायनिक जो उर्वरक होते हैं
ये कच्चे माल के माध्यम से जो है उद्योगों में जो उत्पादित किए जाते हैं और इनके माध्यम से फसलों को जो है फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए या भूमि में कृत्रिम रूप से उर्वरक जो है क्षमता को बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो उत्पादन किया जाता है नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास NPK जिसको कहा जाता है NPK नाइट्रोजन फास्फोरस और पोटास इसका मुख्य रूप से जो उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो चाइना और अमेरिका के बाद भारत उत्पादन में तीसरे स्थान पर जबकि उपभोग में चाइना के बाद दूसरे स्थान पर आता है। अगर हम स्टेट लेवल पर बात करें तो गुजरात पहले स्थान पर जबकि उपभोग के मामले में पंजाब पहले स्थान पर आता है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता भी पंजाब का सबसे अधिक माना जाता है। यहाँ भारत में जो है उर्वरकों के प्रयोग के संदर्भ में एक धारणा ये विद्यमान है कि यहाँ पर नाइट्रोजन के उर्वरक ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं जबकि NPK का जो प्रयोग जो है वो 4:2:1 का अनुपात बनता है लेकिन यहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो काफ़ी मात्रा में प्रयोग में लाया जाता है इसीलिए इसके उत्पादों में भी नाइट्रोजन के प्रतिशत या भाग पाए जाते हैं और विभिन्न प्रकार के देशों के द्वारा यहाँ से उत्पादित जो है खाद्यान्न सामग्री के जो है आयात पर भी कई बार प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। तो ये जो समस्याएं नाइट्रोजन इसके संदर्भ में है भारत नाइट्रोजन के उत्पादन में अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से आत्मनिर्भर है इसीलिए यहाँ पे सस्ता है इसीलिए ज़्यादातर लोग किसान प्रयोग करते हैं। फॉस्फोरस का कुछ भाग और पोटास पूरी तरीके से भारत अपने आयात पर ही निर्भर है आयात के माध्यम से वो प्राप्त करता है। तो ये बातें रही जो है उर्वरक के जो है संदर्भ में। सिंचाई सिंचाई एक महत्वपूर्ण जो है जिसे भी आगत ही कहा जाता है। समय से अगर फसलों को पानी की आवश्यकता जो होती है सिंचाई की आवश्यकता होती है अगर नहीं प्राप्त होता है तो फसलों का विकास नहीं हो पाता है इसलिए सिंचाई एक महत्वपूर्ण आगत है। भारत में सिंचाई के लिए जो है नलकूप नहर कुआं और तालाब एक प्रमुख जो है संसाधन है। अगर उत्तर भारत और दक्षिण भारत में देखा जाए तो एक बेसिक अंतर जिसे समझना आवश्यक है कि उत्तर भारत में नहरें ज़्यादा हैं और दक्षिण भारत में तालाब। तो नहरें उत्तर भारत में इसलिए क्योंकि यहाँ की भूमि समतल है भूमि नरम है मुलायम है इसलिए यहाँ पे जो है नहरों को बनाया जाना आसान है। यहाँ पे सदावाहिनी नदियाँ हैं और इन नदियों के माध्यम से जो है इन नहरों को छप रहा। तो दक्षिण भारत की भूमि कंकरीली और पथरीली है इसलिए वहाँ पे जो है तालाबों का निर्माण किया जाता है नहरों को बनाना जो है कठिन है जबकि यहाँ मौसमी नदियाँ पाई जाती हैं इसलिए नहरों में जो है पानी भी नहीं हो सकता इसलिए तालाब के द्वारा सिंचाई का कार्य किया जाता है। भारत में अगर देखा जाए तो ओवरऑल नलकूप के माध्यम से 70% नहरों के माध्यम से 20% और तालाब तथा कुआं तथा अन्य माध्यमों से 10% क्षेत्र की सिंचाई की जाती है। ये रही बात जो है सिंचाई के संदर्भ में। सिंचाई के लिए जो है तीन प्रकार की योजनाएं योजना आयोग के द्वारा सिंचाई के क्षेत्र में देखा जाए तो तीन प्रकार की योजनाओं की बात जो है करता है दीर्घ दस हजार हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि की सिंचाई करने वाली जो परियोजनाएं हैं वो दीर्घ सिंचाई की परियोजनाओं के रूप में आते हैं और 10,000 से लेकर के 2,000 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र की सिंचाई करने वाली जो परियोजनाओं को मध्यम सिंचाई परियोजनाएं और इसी तरीके से 2,000 हेक्टेयर से जो कम क्षेत्रफल की सिंचाई करने वाली परियोजनाओं को लघु सिंचाई परियोजनाओं के रूप में सम्मिलित किया जाता है। समय समय पर भारत में जो है सिंचाई से संबंधित जो कार्यक्रम भी चलाए जाते रहे हैं 1974 ईस्वी में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम चलाया गया इसके अंतर्गत भूमि का संतलीकरण करना भूमि का फर फार्म हाउस बनाना नाली बनाना नहरों के बनाना इत्यादि क्षेत्रों को जो सम्मिलित किया गया और 2004 ईस्वी में आकर के जो है कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया इसमें जल प्रबंधन के लिए रणनीतियों को बनाना ताकि जल का सदुपयोग किया जा सके और सिंचाई को सुनिश्चित किया जाना संभव हो सके। तो ये थी जो है कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम 2004 ईस्वी में प्रारंभ किया गया और 1996 ईस्वी में त्वरित सिंचाई लाभ योजना प्रारंभ किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई परियोजनाओं को पूर्ण करने में राज्य सरकार को जो मदद करना है तो मुख्य रूप से ये योजनाओं को जो है सिंचाई से संबंधित योजनाओं के पूर्ण
करने के सिद्धांत पर ऋण आधारित जो योजना थी 1996 ईस्वी में, यह भी सवाल पूर्व में पूछा जा चुका है। त्वरित सिंचाई लाभ योजना 1996 ईस्वी में जो प्रारंभ किया गया था। कुछ जो सिंचाई से संबंधित जो है, सिंचाई से संबंधित जो कुछ तकनीक है जिसमें जो है आपका बरानी कृषि यानी कि पूरी तरीके से यहाँ पे सिंचाई की सुविधा नहीं होती, वर्षा पर आधारित कृषि होती है उसे बरानी कृषि कहा जाता है। और जीरो फार्मिंग का मतलब वहां पर ना कोई जुताई किया जाए, ना सिंचाई खाद इत्यादि डाला जाए, बल्कि वो किसी न किसी तरीके से जो है सुता जो उत्पादन की उत्पादन जो है फसलों का होता है तो वो जीरो फार्मिंग का, यानी कि फार्मिंग का मतलब ये, जीरो का मतलब ये है कि वहाँ पर कोई पहल और प्रयास नहीं किया जाता है, बल्कि वो आसानी से जो है बिना जो सिंचाई और जुताई और उर्वरक के जो है उत्पादन होते हैं वो जीरो फार्मिंग श्रेणी में जो है आते हैं। बरानी कृषि जो हो गया यानी कि वर्षा पर आधारित जो कृषि हो जाता है। एक होती है व्यवस्था फर्टिगेशन, यानी कि जो है सिंचाई के माध्यम से जो है फसलों को पोषक तत्व देना ही जो फर्टिगेशन कहलाते हैं। इसमें सिंचाई के साथ साथ जो है उर्वरक भी जो जाते हैं, तो इसमें जो है उर्वरक का पूरी तरीके से अवशोषण कर लिया जाता है फसलों के माध्यम से, इसलिए इसमें जो है इसके माध्यम से सिंचाई के माध्यम से जो है जब उर्वरक फसलों को दिया जाता है तो वह व्यवस्था फर्टिगेशन कहलाती है। तो ये हो गई जो है आपकी फर्टिगेशन, ये जीरो फार्मिंग हो गई। अगली व्यवस्था है ड्रिप सिंचाई व्यवस्था और स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था। ड्रिप सिंचाई व्यवस्था जो होती है उसमें पाइप होती है और जो भी फसलें होती हैं बागवानी के कृषि के क्षेत्र में ये इसका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर पॉइंट बनाए जाते हैं और उस वहाँ पर जो है उस पॉइंट के माध्यम से जो है उनके जड़ों को पानी प्राप्त होता है, जिससे जो है वह अपने जल की आवश्यकताओं को पूरा करती है, इसमें पानी की काफ़ी बचत होती है। इसी तरीके से स्प्रिंकलर जो सिंचाई की व्यवस्था है ये छिड़काव विधि पर आधारित है, स्प्रिंकलर सिंचाई व्यवस्था छिड़काव विधि पर आधारित है और इसमें जो है आवश्यकता के अनुसार ही पानी दिया जाता है, जल की इसमें भी काफ़ी बचत होती है। अगर देखा जाए वैश्विक स्तर पर तो इजराइल जो है ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर इन दोनों ही सिंचाई का जो है आविष्कारक माना जाता है या बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। भारत में भी इस तरीके की सिंचाई प्रणाली को जो है इजराइल से जो है अपनाया गया है, क्योंकि इजराइल में काफ़ी जो शुष्क भूमियाँ होती हैं, जल की कमी, इसलिए इस तकनीक के आधार पर वहाँ सिंचाई की खोज की जाए। भारत में 2006 ईस्वी में जो है माइक्रो इरीगेशन सिस्टम जो प्रारंभ किया गया, इसके अंतर्गत सिंचाई की सुविधा को बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा मदद किया गया। लघु और मध्यम किसानों को 90% और इस तरीके से जो है बड़े किसानों को 80% तक इसमें जो है अनुदान जो है दिया गया। तो ये सिंचाई की व्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोगों ने एक सामान्य परिचय सिंचाई की जो है तीन प्रकार की जो है योजनाएं सिंचाई के लिए जो है कार्यक्रम, जो कि 1974 ईस्वी में कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम, 2040 में कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन कार्यक्रम, 1996 में त्वरित सिंचाई लाभ योजना का कार्यक्रम, इसके बाद हम लोगों ने बरानी कृषि, जीरो फार्मिंग, फर्टिगेशन, ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई इत्यादि के बारे में जो चर्चा किया। इसके साथ साथ सरकार के द्वारा समय समय पर प्रधानमंत्री सिंचाई योजना जो कि हाल फिलहाल में प्रारंभ किया गया है किसानों के लिए जो है फसलों को किसी प्रकार की आपदा से बचाने के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें 5%, 1.5%, 2% के आधार पर जो है प्रीमियम दिया जाता था और वहां पर किसी भी प्रकार के आपदा से निपटने के लिए किसानों को सहायता किया जाता है। तो यह कुल व्यवस्था देखा जाए तो कृषि सुधार के लिए ही जो किया गया था। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने कृषि सुधार के अंतर्गत जो है भूमि सुधार जो कि संस्था का सुधार के अंतर्गत आता था, तकनीकी सुधार में जो है बीज उर्वरक सिंचाई इत्यादि को जो देखा, इसके माध्यम से जो है कृषि के जो है विकास को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया और किसानों को उनकी आय को बढ़ाने का प्रयास किया गया, उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो ये सारी चीज़ें जो है कृषि सुधार के अंतर्गत आती है। तो ये एक बड़ा चैप्टर और लेक्चर था, तो उम्मीद करता हूँ इसके माध्यम से आपको कर्मिक रूप से और अवधारणात्मक स्तर पर इस टॉपिक को समझने में मदद मिली होगी। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, पुनः अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।